नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्केल पे में, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में। तो अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो ये बढ़े हुए फ्रेट रेट्स है ये कब तक चलने वाले हैं, क्या कारण है इसके पीछे, क्या होता है, क्यों ये फ्रेट रेट एक्चुअल में बढ़ा था और क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले ईयर 2020 में फ्रेट रेट्स को लेकर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कंटेनर शॉर्टेज क्या होता है। कंटेनर शॉर्टेज ये वाला टर्म आप लोगों ने रिसेंटली बहुत सुना होगा कि कंटेनर ही नहीं है, वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में कई लाख कंटेनर्स की शॉर्टेज है, कंटेनर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो कंटेनर शॉर्टेज की जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है वो कोविड 19 से स्टार्ट हुई थी। जब इनिशियली कोविड 19 आया था और कंट्रीज लॉकडाउन में जाने लगी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई थी, जिसके चलते कि वर्कर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो इसी रीज़न के चलते जो पोर्ट्स और डॉक्स में काम करने वाले लेबरर्स थे उनकी भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई थी। अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखें, अमेरिका में जो लेबर्स थे वो बहुत ज़्यादा कम काम कर रहे थे अमेरिका और यूरोप में। उसके बाद हुआ ये कि कई सारी फैक्ट्रीज भी शट डाउन हो गई, जिसके चलते कंटेनर की शॉर्टेज और ज़्यादा हो गई, क्योंकि जो कंटेनर्स फैक्ट्रीज में पड़े हुए थे वो वहीं पड़े हुए थे, उसको वापस करने का भी कोई चीज़ें नहीं था। और फाइनली जो ट्रक ड्राइवर्स थे अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो भी लॉकडाउन के चलते काम नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उन कंटेनर्स को इनलैंड से पोर्ट तक लाने की जो सुविधा थी वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। ये जो हुआ ये सारा का सारा वर्ल्ड वाइड हुआ था। बट इसके बाद एक्चुअल में हुआ क्या, इसके बाद हुआ ये कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हुई और कंट्रीज़ पहला जो लॉकडाउन था उससे बाहर आने लगी, तो चाइना ने कहीं ना कहीं एक रैपिड ग्रोथ दिखाई अपनी मैन्युफैक्चरिंग में और इस पूरे के पूरे आउटब्रेक को कंट्रोल करने में। और दूसरी कंट्रीज से पहले ही उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी, उनकी जो जीडीपी थी वो दूसरी कंट्रीज से हायर रेट में ऊपर की तरफ जा रही थी और वो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे थे। जिसके चलते हुआ ये, जब लॉकडाउन इनिशियली खुलने लगा अगस्त में, तो उन्होंने अपना सारा का सारा एक्सपोर्ट जो है वो लॉन्ग हॉल रूट्स हैं, जैसे कि यूएस और यूरोप, जहाँ पे की फ्रेट में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वहाँ पे जो क्रिसमस डिमांड है और जो फेस्टिव डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है इस टाइम पे, तो सारे के सारे उनके जो रिसोर्सेज थे उन्होंने उस तरफ मूव कर दिए, जिससे हुआ ये कि डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पे, क्योंकि लोग घर से काम कर रहे थे और उनको उन्होंने घर पे ही अपने जिम सेट कर लिया था, वर्क फ्रॉम होम के इक्विपमेंट सेट कर लिए थे, तो जो आपके टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गई थी और चाइना ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, अपनी सारी की सारी मूवमेंट जो है यूएस और यूरोप की तरफ डाइवर्ट कर दी। जिसके चलते हुआ कि ये कि 2019 के मुकाबले 2020 में जो कंटेनर उन्होंने शिप किए टू यूरोप एंड अमेरिका वो बहुत ही ज़्यादा थे, उन्होंने अराउंड 9 लाख कंटेनर पर मंथ शिप किए टू यूएस एंड यूरोप मिला के। अब हुआ ये जब यूएस और यूरोप में चीज़ें पहुंची और चीज़ें वहाँ पोर्ट पर स्टक होने लगी, तो वो जो वेसल्स वहाँ पे गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले होने लगा चीज़ों को अनलोड होने में, क्योंकि वर्कर्स ही नहीं है पोर्ट में काम करने के लिए, तो वेसल्स को अनलोड कौन करेगा, अनलोड करके ट्रक में लोड करके फाइनल डेस्टिनेशन तक यानी कंसाइनी तक पहुँचाएगा कौन, तो ये सारी चीज़ें होने लगी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंटेनर का कंजेशन शुरू हो गया, वहाँ पे बहुत सारी शिप्स डॉक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो डॉक ऑलरेडी थी वो ही खाली नहीं हो रही थी, दूसरी शिप्स कहाँ आएंगी उनके जगह पे, जो जिस काम को करने में 2 दिन लगते थे वो काम को करने में, जैसे कि एक वेसल को खाली करने में जनरली 2 दिन का टाइम लगता था, वहाँ पे वही काम को करने में अराउंड 2 हफ्ते का 1 हफ्ते का टाइम लग रहा था। जिसके चलते ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड का जो प्रोसेस है कंटेनर्स को ले जाने का, वापस लेके आने का, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गया, जिसके चलते एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कंटेनर्स की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि जो सारे के सारे कंटेनर्स थे उन्होंने फेस्टिव सीजन में यूएसए और यूरोप में मूव कर दिया और वो वहाँ जाके स्टक हो गए, कुछ पोर्ट पे स्टक हो गए, कुछ फैक्ट्रीज में स्टक हो गए, क्योंकि फैक्ट्रीज भी बंद है, वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स भी नहीं है ऑपरेशंस को करने के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट को करने के लिए पोर्ट पे लेबर्स नहीं है, तो ये सारा सारा का जो पूरा का पूरा सर्कल था ये कहना कहीं स्टॉप हो गया, और जिसके चलते अपने एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कंटेनर्स की शॉर्टेज हो गई, जिसके चलते फ्रेट रेट्स अचानक से बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चले गए। इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने रिसेंटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सुना होगा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पार्ट लेते होंगे, तो आप लोगों को स्वेज कनाल में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। जो एवरगिवन शिप थी वो 1 हफ्ते तक 1.5 हफ्ते तक स्वेज कनाल में फंस गई, जिसके चलते कि पूरा का पूरा ट्रेड जो है उस स्वेज कनाल से होने वाला वो डिस्टर्ब्ड हो गया, और उसके हटने के बाद भी चीज़ें जो पूरा का पूरा बैकलॉग था उसको भी क्लियर होने में कहीं ना कहीं कई अराउंड 1-2 महीने का टाइम और लग गया। इस इंसिडेंट ने भी फर्दर जो फ्रेट के रेट्स हैं उसको स्टेबलाइज ना होने में कंट्रीब्यूट किया और फ्रेट रेट्स ऊपर की तरफ ही जा रहे थे अभी भी। अब इसके बाद क्या हुआ, रिसेंटली बहुत ही रिसेंटली 1-2 महीने पहले तियानजिन जो पोर्ट है वहाँ पे चाइना में, साउथ चाइना में, जो कि उनका एक मेजर एक्सपोर्ट हब है, वहाँ पे भी एक कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ, जिसके चलते वहाँ पे भी फिर से लॉकडाउन और क्वारंटाइन कर दिया गया। उसके चलते भी फ्रेट रेट्स कहीं ना कहीं अभी भी ऊपर ही हैं, पहले से थोड़े नीचे आए हैं बट पहले जैसे नीचे नहीं आए हैं, जैसे कि 2019 में प्री पेंडेमिक के सिचुएशन में जो फ्रेट रेट्स थे उसके अराउंड भी नहीं पहुँचा, अभी भी 2 गुना 2.5 गुना ही फ्रेट रेट्स
लेके लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। अभी करंट सिचुएशन में फ्रेट रेट्स इसलिए अभी भी ऊपर हैं क्योंकि डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी रोबस्ट है, कभी ज़्यादा इंक्रीज या डिमांड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फैक्टर है और सप्लाई कम है। सप्लाई कम इस तरीके से है क्योंकि ऑलरेडी जब आउटब्रेक हुआ था तो बहुत सारी कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई थी। एक कंपनी रिसेंटली वियतनाम में बैंकक्रप्सी में चली गई थी और उन्होंने अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। और वेसल्स जो है, वेसल्स भी कहीं ना कहीं बहुत सारी यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ में स्टक है। डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है और वेसल्स भी नहीं है, कंटेनर्स भी नहीं है, वेसल्स भी नहीं है शिपिंग लाइन्स के पास। तो ये दोनों दोनों कारण मिलके अभी भी फ्रेट रेट्स जो हैं ऊपर की तरफ ही अटके हुए हैं, वो पुराने प्री पेंडेमिक वाले सिचुएशन में अभी तक वापस नहीं आए हैं। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए शिपिंग लाइन्स क्या कर रही हैं? इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए शिपिंग लाइन्स ने कई सारे मेजर स्टेप्स उठाए हैं। अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट्स ने मेजर स्टेप्स उठाए, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट्स ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो इंडिया में ही बहुत सारी कंटेनर्स बनाने वाले हैं, चाइना को डिपेंडेंट हटाने वाले हैं मेक इन इंडिया के अंडर। बहुत सारे कंटेनर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था अलग अलग कंपनीज को इंडिया में। उसके अलावा रिसेंटली ये भी देखा गया है कि शिपिंग लाइन्स ने भी बहुत सारे नए वेसल्स का ऑर्डर दिया है। बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में रिसेंटली शिपिंग लाइन्स की तरफ से वेसल्स का ऑर्डर गया है शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। और इसके अलावा उन्होंने जो US और UK से एक्सपोर्ट होता है उसको भी कहीं ना कहीं डिले करने की कोशिश की है, वहाँ से जो एक्सपोर्ट है उसको भी कट करने की कोशिश की है ताकि जो वेसल्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए यूज़ हो सकें। सो फाइनल टेक ये है कि डिमांड जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है अमेरिका में, US में और दूसरी कंट्रीज़ में। डिमांड कहीं ना कहीं अभी भी रोबस्ट है, बट जो सप्लाई है वो उतनी उस लेवल की नहीं है क्योंकि कंटेनर्स की भी शॉर्टेज है और वेसल्स की भी शॉर्टेज है। बट जो मेन बॉटलनेक्स है वेसल्स का और आपका जो तियानजिन पोर्ट में और चाइना के दूसरे पोर्ट्स में आउटब्रेक था वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे कंट्रोल में है। बट वेसल्स की तरफ से वेसल्स के प्रस्पेक्टिव से देखें तो एक वेसल को बनने में ही अराउंड 18 मंथ्स का टाइम लगता है, तो बहुत जल्दी आप लोग वेसल्स में कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज नहीं देखने वाले, इसको अभी भी टाइम लगने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जब वेसल्स आ जाएंगी शिपिंग लाइन्स के पास और कंटेनर्स की शॉर्टेज भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी, तो एक हम अच्छा खासा ड्रॉप देख सकते हैं फ्रेट प्राइसेस में। एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे शिपिंग लाइन्स भी अच्छा प्रॉफिट कमाएंगी और शिपर्स जो है, एक्सपोर्टर्स जो है, वो भी अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। बट ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये सिचुएशन किस लेवल तक नीचे जाता है, फ्रेट प्राइसेस किस लेवल तक नीचे जाते हैं, क्या ये प्री पेंडेमिक सिचुएशन में आ पाएंगे या कहीं ऊपर ही अटक जाएंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया ने अपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स को रीच किया और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन दिखाई है इस मामले में। गवर्नमेंट ने भी सेवरल स्टेप्स लिया है हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखते हुए चले तो गवर्नमेंट अभी इस टाइम पे हम इंडियन एज एन इंडियन और इंडियन गवर्नमेंट ये फोकस कर रहा है कि हम ऐसे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करें जहाँ पे टर्न अराउंड टाइम कम हो। UK और अमेरिका को छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें जहाँ पे कि हमें कंटेनर्स पहुँच जाए तो वापस भी आ जाए, शिपिंग वेसल जाए तो टाइमली वापस भी आ जाए। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट्स और भी बहुत सारे सेवरल स्टेप्स उठा रही हैं अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए और फ्रेट रेट्स को नीचे रखने के लिए। किस लेवल में चीज़ें कंट्रोल में आएंगी वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा क्योंकि ये जो सिचुएशन है कभी ना देखा गया है और ना कभी देखा जाएगा। COVID-19 आउटब्रेक हर साल नहीं आता तो एक एक्यूरेट फोरकास्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और जिस हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग स्टेप्स ले रही हैं इंक्लूडिंग इंडियन गवर्नमेंट, तो थिंक टैंक्स का ये मानना है कि नेक्स्ट ईयर के मिड तक सिचुएशन जो है वो थोड़ी कंट्रोल में आएगी, फ्रेट रेट्स कहीं ना कहीं थोड़े नीचे की तरफ आएंगे और एक्सपोर्टर्स को भी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो ये हमारा टेक था कंटेनर शॉर्टेज के ऊपर और फ्रेट रेट्स के ऊपर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी आपका कमेंट है, कोई कुछ भी मैंने गलत बोला है, कुछ भी सही बोला है, वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस टॉपिक पे आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेंड नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।